ये रूम रखा है क्योंकि हम लोग ड्राइव कर रहे थे और हमारा गाइस इतना बड़ा सीन हो गया था कि हम रास्ता भटक गए थे और गूगल हमको कोई अलग अलग गांव में ले जा रहा था जहां से बाहर निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिला। मैंने एक वीडियो नहीं लिया क्योंकि वहां पे मेरे पास मुश्किल से बैटरी थी मेरे फ़ोन में और मेरा डेटा केबल भी नहीं चल रहा था जिससे मैं फ़ोन चार्ज करती हूं। तो गाइस मैंने कोई वीडियो नहीं लिया, मैंने सोचा कि बाहर निकलो तो ही बहुत है मेरे लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग अमरेली से यहाँ से जा रहे थे और रास्ते में धारी हम रुक गए हैं और यहाँ से हम लोग कल करने वाले हैं जंगल सफारी। तो चलो स्टे ट्यून, मैं आपको कल सुबह दिखाती हूँ कि ये जंगल सफारी कैसी है क्योंकि मैंने देवलिया की हुई है, गिर नेशनल पार्क वाली भी की हुई है। तो अभी ये जंगल सफारी कैसी है ये आपको मैं कल बताती हूँ। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ का, तो गाइज यहाँ पे पता नहीं क्या है लेकिन कुछ तो है, वहाँ पे हमारा कॉटेज है। तो गाइस हम गिर से अहमदाबाद जा रहे थे लेकिन रास्ते में धारी आया तो किसी ने हमें बोला कि अम्बरडी पार्क करके एक इंटरप्रिटेशन जोन है जहां पर आप जंगल सफारी कर सकते हो। गिर रिसोर्ट अम्बरडी पार्क से सिर्फ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही था इसलिए हमने ये बुक किया था, लेकिन इसका एक्सपीरियंस गाइस बहुत ही बुरा है, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो ये रही हमारी धन्नो और शौर्या। शौर्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होगा यहाँ पे खाने के लिए, क्या मिलेगा? कुछ नहीं होगा, फुल सुनसान जगह, इधर कुछ नहीं है, ये बस एक उधर है, क्या बोलते हैं, सफारी का रास्ता, सफारी का रास्ता है और ये एक होटल है। ये होटल सफारी के रास्ते में आती है और ये होटल का नाम ही लेक व्यू होटल है। तो चलो जल्दी से दिखाते हैं यहाँ पे क्या है, हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या खाने के लिए कहाँ पे जा सकते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस हमारे सफ़र की शुरुआत होती है गिर सासन से। मैंने द फन में गिर सासन में एक स्टे किया था जहाँ पर हमने जंगल सफारी की टिकट नहीं मिली क्योंकि हम बुकिंग कराए बिना गए थे। तो हमें किसी ने बताया कि अमरेली से धारी आते हुए धारी में एक अम्बरडी पार्क करके सफारी है जो इंटरप्रिटेशन जोन है, आप वहाँ पर सफारी कर सकते हो। तो उसके रास्ते भी इतने गलत गलत हमें मिले थे तो हम फिर भी वहाँ पर पहुँच गए और शाम का वक्त था तो हमें एक नाइट स्टे करना था क्योंकि अगले दिन हमारी सफारी बुक थी। तो गाइज वहां पे हमने बुकिंग नहीं करवाई लेकिन वहां पे विंडो पे जाके ही टिकट मिलती है ऐसा हमको बोला गया तो हम यहाँ पर आ गए। अनुभव बहुत ही बुरा रहा, वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए। तो गाइज हमारे रिसोर्ट में जो फूड था वो हमें कन्वीनियंट नहीं लगा तो हम लोग बाहर थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड ट्राई करने गए थे लेकिन वहां पे कुछ था नहीं और हमको थोड़ा बहुत देसी खाना खाना था लेकिन हमने बहुत ढूंढा लेकिन वहां पे मिला नहीं। तो हमको किसी ने बताया कि गणेश रेस्टोरेंट करके पेट्रोल पंप के पास में एक होटल है, आप वहां जा सकते हो। तो हम वहां पर गए थे जहां का फूड काफी अच्छा था और फूड खाने के बाद हमने खाया आइस गोला। इतनी जल्दी थक जाओगे तो सफारी कैसे करोगे? वो बैठे करूंगा। क्यों ऐसे ऐसे क्यों? तुम्हें नहीं देखना लायन? गाइस पता नहीं क्यों ये पूरे रास्ते बोल रहा था उसको यहाँ नहीं आना है, नहीं आना है, उसको घर जाना है, पता है उसके फ्रेंड्स को मिस कर रहा है। ये कैसे खा रहा है? क्योंकि देखिए मेरे पीछे सफारी पे कोई भी नहीं है, एक सिंगल बंदा भी नहीं है, 7 बजे कोई पब्लिक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि ये अम्बरडी पार्क है। पार्किंग में भी एक गाड़ी नहीं है। तो गाइस अभी सफारी पार्क पे हम लोग गए थे तो वो पूरा क्लोज है अभी क्योंकि 8 बजे बोल रहे हैं कि टिकट विंडो ओपन होगी और हम लोग 7 बजे पहुंच गए थे धन्नो को लेके, बच्चों को लेके, और मैंने इन लोगों को चाय भी नहीं पीने दी क्योंकि मैंने बोला अभी सफारी का टाइम है तो रश होगा शायद यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे एक सिंगल गाड़ी भी नहीं थी, हम गए तो पूरी पार्किंग खाली थी और विंडो टिकट तो ठीक है लेकिन गेट भी क्लोज था। तो मुझे ऐसा लग रहा है एज़ पर माय ओपिनियन कि ये इतना फेमस नहीं है तो इसलिए लोगों को पता नहीं है तो इतने ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ के लोकल एक अंकल से पूछते हैं कि यहाँ पे कैसा है। हम आतो वाच सफारी पार्क नहीं, यानी सिवाय बाहर भाग भाग देखा है सी इसे तो बाहर जंगली जानवर से ही तो देखा है जेम के पानी पीवा हमारे आकुंडी रही ना आकुंडी पानी पीवा रात में
રાત્રે પીવા આવે સિંહ આવે સિંહ આવે એક નવ નું ટોળું છે એક હાત નું છે એમ અને પેલો દીપડો તો આવતો જ હશે ને લેપર્ડ દીપડો તો બહુ નથી નજર માં આવતો એમ બાકી સિંહ તો આવે સિંહ તો આવે જ કે એ સિંહ છે ને એ હેરાન નથી કરતા કોઈને પબ્લિક હેરાન કરે છે પબ્લિક એને હેરાન કરે છે એટલે એ ખીજાય એટલે પછી કોક ને વખતે વડકું કરી લે જાજે ભાગે તો કરતું નથી પણ આમ ખીજાય ખરું પૂછડું ઉલાળે ને આમ કરે તેમ કરે ને એવું કરે કોઈને માર્યું હોય કે તમારા ગામમાં એવું નથી બન્યું આઈ ગયા ચા પીવા તો શું કરીએ કેવી રહી રાત તો યે હમારે અલાવા એક ઓર ભી ગેસ્ટ હે જો હમારે હી રિસોર્ટ મે રુકે તો ઉન લોગો કો ભી શેર દેખના થા આ કાકા શું કહે છે કાકા કહે છે એમને તો પાણી ની કુંડી માં પીવા આવે નવ નવ સિંહો નું ટોળું છે હા એટલે કાલ પરમ દિવસે રાત્રે આવી તો ને કાકા એવું કે કઈ નત કરતું કે અમને કાકા કે દીપડો તો છે જ નહીં છે એટલા બે ત્રણ વર્ષ બે ના 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 આવડા છોકરા છે और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे धारी अंबरडी पार्क। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत कम लोग हैं और गिन के चार गाड़ी आई है अभी तक, क्योंकि ये गाइस ऐसी जगह है तो किसी को अभी पता नहीं है, ज़्यादा लोग जानते नहीं है क्योंकि गिर नेशनल पार्क और सफारी तो एवरीवन नोज। एक्साइटेड? यस। तो हमारे साथ है भावनगर से आए हुए फैमिली हो आप सब? अच्छा पूरा फैमिली है, ये लोग आए हुए पहले, उनका कहना है कि शेर दिखने के चांसेस है। फाइनली अभी 8 बजे खुल रहे हैं। कितना कट टू कट टाइम आया बा? लो। हमने 7 बजे ना आया, एक चक्कर में। 8 बजे। जो जो बोलो बच। गाइस, दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ज़ोन और 365 हेक्टर्स के अंदर पूरा फैला हुआ ये एक फेंस्ड एरिया है। बेसिकली फेंस्ड एरिया जिसपे वो लोग लायंस और कुछ एनिमल्स होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो रखते हैं। इंटरप्रिटेशन जोन जो भी बनते हैं, जैसे कि एक अपने देवलिया का, मेरा प्रीवियस ब्लॉग डाला हुआ था देवलिया का, उसमें भी फेंस्ड एरिया था पर वो थोड़ा बड़ा था और ये थोड़ा छोटा है, यानी कि 3 किलोमीटर्स अराउंड एरिया के अंदर उन्होंने लायंस रखे हैं और लेपर्ड्स है, डियर्स है, हाइना है, मतलब इतने एनिमल्स रखे हुए हैं कि लोग 12 महीना यहाँ पे सफारी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज एक्सप्लोर करते हैं धारी का अंबरडी पार्क। तो गाइस जहाँ पे देवलिया सफारी है गिर नेशनल पार्क के, वहाँ पे वैकेशन में भी रश रहता है और यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं है। एज उनका कहना है कि सुबह सुबह कोई है नहीं, लेकिन वो बोल रहे कि शाम तक पब्लिक मतलब आ जाते हैं लोग देखने के लिए। तो जैसा ही विंडो टिकट ओपन होता है, अभी 8 o'clock हो रहे हैं मॉर्निंग के होता है, तो हम अपनी टिकट्स लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का एक्सपीरियंस है। क्योंकि एज हमको पता चला है कि यहाँ पे एसी बस है और एसी बस का टिकट्स आई थिंक 200 अराउंड है पर पर्सन, तो वो लोग यहाँ से हमें ले जाते हैं पूरा सफारी कराने। और देर इज़ नो जिप्सी, यहाँ पे ओनली बसेस चलती है। तो चलिए अभी हम एक्सप्लोर करते हैं कैसा है, मैं आपको बताती हूँ, स्टे ट्यून। एज आप देख रहे हो कि ये मंडे टू फ्राइडे 150 रहते हैं उसके चार्जेस, सैटरडे टू संडे 190 पर पर्सन, एंड फेस्टिवल डेज होते हैं तो भी 190 रहता है। व्हील चेयर फैसिलिटीज फॉर द सीनियर्स, सीनियर सिटीजन्स। पता नहीं वर्डिंग मतलब प्रोनाउंसिएशंस पता नहीं है, अंबरडी है या आंबरडी है, बाय द वे जो भी है आंबरडी। तो हम लोग जा रहे हैं चल के वहाँ पे, देखो आप गाइस कितना दूर से हम वॉक करके आए, काफ़ी चलना है, शायद 800 मीटर होगा। तो गाइस मैं अकेली चल रही हूँ,
क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है फाइनल गेट टू सफारी। एज आई टोल्ड यू कि इट्स अ फेंस्ड एरिया, तो यहाँ से इसका गेट है और यहाँ से स्टार्ट होती है शायद सफारी। तो ये है एसी बस जिसके अंदर हमको सफारी में जाना है, और एक पता नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की एक ये भी बस है, लेकिन शायद वी हैव टू टिकट ऑफ दिस काइंड ऑफ बस। तो सब लोग इन फिफ्टी Are you guys excited? Yes. चलो ऑल द बेस्ट एवरी वन। वैसे तो दिख ही जाएंगे लेकिन फिर भी सबको करना पड़ता है ऑल द बेस्ट। तो गाइस वीरेंद्र जी हमको बता रहे हैं कि एनिमल्स को यानी कि लायंस को ना गर्मी बहुत सह नहीं सकते वो लोग, तो उनके लिए ये लोग पानी डाल के जो थोड़ा बहुत एरिया है वो कूल रखते हैं जिसकी वजह से दे कैन सर्वाइव। तो ऐसे एरियाज़ पे ऐसे लोकेशंस पे उनके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं इनको फ़ोन पर कि आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लायंस स्पॉट हो जाएंगे। तो दे यूज़ टू टेक अस टू दी डायरेक्टली टू दी दैट प्लेस ओनली। तो चलो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। मेरे सामने आप देख रहे हो जंगल का राजा शेर है। दिख गया है लायन जो पीछे दिख रहा है आपको, वो उसका नाम है सिम्बा और वो 4 ईयर का है। तो सब लोग उसको देख, फाइनली लायन पहुंचे, दिख गया सबको। यहाँ पे 4 लायन स्पॉट हुए हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे भी एक लायन है। तो गाइस हमारी जंगल सफारी कंप्लीट हो गई है और सबको लायन दिख गया। यस, सबको लायन दिख गया जो यहाँ पे आए थे जिस पर्पज से, वो शॉर्ट हो गया। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ऐसा रहा हमारा आम्बरडी पार्क सफारी, और दूसरे दिन हमारा चेकआउट था, ऐसे कि हमने एक ही रात स्टे लिया था इस होटल में। तो गाइस अभी ऑलमोस्ट 45 डिग्री टेम्परेचर है और
इतनी डिग्री टेम्परेचर में इन लोगों ने चेकआउट टाइम से पहले एसी बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग आज जाने वाले हैं, हमारा चेकआउट है। क्योंकि इनका कहना ये है कि अगर आप चेकआउट कर रहे हो तो हम एसी आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा गिर में। मैं जितनी भी होटल्स में रही हूँ, कहीं पे भी गाइस इस तरह का बिहेवियर नहीं होता है। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 103 में हमारे एक फ्रेंड है, मतलब बन गए हैं फ्रेंड, उनके यहाँ एसी चालू है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल एसी नहीं था। क्योंकि वो लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि आप चेकआउट कर रहे हो तो आपको एसी हम नहीं दे सकते, विच इज़ वेरी रूड। तो गाइज मैं आपको बता रही हूँ, आप अभी देखिए, अभी वीडियो चालू है और मैं उनको बेल कर रही हूँ, और यही वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँगी, रिसेप्शन तक जाऊँगी, आपको बताऊँगी वो क्या आंसर दे रहे हैं। चलो जाइए चमे, आओ जो एसी चालू छे तमारो। हां एसी तो चालू छे गाइस, इनका एसी चालू है, और अगर हम चेकआउट कर रहे हैं तो हमें एसी वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपको मैं रूम भी दिखा रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वो मुझे क्या आंसर देगा, मुझे पता है। वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा डिलक्स रूम है इसलिए वो एसी नहीं दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हो सेम रूम, सेम साइज, एवरीथिंग इज सेम, इवन वी पेड एंड ही केम थ्रू सम क्लब। Though he's saying कि they are not giving them special, you know, जो treatment होना चाहिए, जो पैसे भी extra ले रहे हैं उनसे। तो guys, my experience for this resort, particularly this lake view, जहाँ पर lake का कहीं नाम और निशान नहीं है, तो आप देख सकते हो बहुत ही bad experience है मेरा। By the way guys, मेरा तो चलता रहेगा, इन सबको मैं बाई करने आई हूँ। चलो bye-bye। यही video मैं open रख के आपको दिखा रही हूँ reception area। Hand over this key। मैडम आपकी केस, और मैडम आपने आंसर दिया था कि जनरेटर पर है इसलिए एसी नहीं चल रहा है। ये स्वीट रूम है ना, स्वीट रूम वहाँ पर्सनली जनरेटर है और फाइव एसी नहीं है। लेकिन पहले आपने ऐसा बोला और फिर उसने मैंने आपको बाद में बोला वो कि उनका चल रहा है, तो आपने बोला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पर मेरे को नहीं पता था ना कि वो स्वीट रूम है। वो स्वीट रूम है, मैंने 103 भी बोला आपको। 103 105। तो गाइस ये कुछ नई बात लेके आए, ये बोल रहे हैं कि अगर जनरेटर खराब, मतलब पावर जा रहा है, तो जनरेटर पे वो उसी रूम को एसी प्रोवाइड करते हैं जो डीलक्स कैटेगरी के, बाकी की सब लोग गर्मी में मरे। तो गाइज दिस एक्सपीरियंस इज सो बैड फ्रॉम दिस होटल, आई मस्ट से। तो चलो बाय द वे थैंक यू। सो गाइज इसका डिटेल रिव्यू मैं मेरे व्लॉग में डालूंगी, ये अनप्लान्ड था, टोटली प्लान नहीं था, लेकिन होता है कभी कभी। हम जा रहे हैं तो हर रास्ता देखो रिसोर्ट में आने का, मेन गेट बंद है, तो यहाँ से ये नुकीले पत्थरों वाला रास्ता है जहाँ से हमको रिसोर्ट में एंट्री चाहिए। तो सफारी करने के लिए हमने एक नाइट के लिए स्टे किया था, लेकिन गाइस सच में आप बुकिंग करा के अच्छी होटल और रिव्यू देख के ही जाओ, ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हो गया है मेरा यहाँ पे, जो मेरा आज तक कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो गाइज ओनली 50 किलोमीटर्स बाकी है अहमदाबाद आने के लिए, और हम लोग चाय पीने रुके हैं। एक्चुअली हमने लंच भी किया था, लेकिन गाइज मैं इतनी थक गई थी कि मैंने कोई वीडियो नहीं लिया है। तो चलो अभी चाय पीते हैं, फिर हम अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। इतनी थक गई हूँ गाइज, क्या बताऊँ। तो ये था हमारा एक अनएक्सप्लोर जगह को एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस। फिर मिलूंगी किसी और नए वीडियो के साथ, और जाते जाते कहना चाहूंगी कि अगर आपके लक्ष्य पे कोई हंस नहीं रहा है तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। बाय बाय, टेक केयर।